गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम निकल रहे हैं अमृतसर के लिए पापा की रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें लेके। मैं तो लेट उठी हूँ, मम्मा पहले से उठ के सारा खाना बना के गए ताकि आके हमें एकदम से खाना बनाना ना पड़े। तो मम्मा ने आज दाल बना दी है, साथ में थोड़ी सी भुर्जी बनाई है और उसी के साथ मेरा मन है मैं आके कुछ और ट्राई करूँगी। चावल बना दिए हैं, चपातियाँ बना दी हैं। मम्मा ने खाना खा लिया, मैंने खा लिया। पीयूष यहीं पर रुकेगा, विकास ड्राइव करेगा तो वो तो चलेगा ही, और पापा विकास बाहर निकल चुके हैं, हम भी निकलने वाले हैं। और कोल्ड ने इतनी बुरी हालत की हुई है ना मेरी कि एक अब मैं हैंकी भी लेके चलती हूँ साथ में और मेडिसिन भी, क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ खाना खाया अभी, और मेरा एकदम से कुछ खाने का मन भी नहीं किया, तो हैंकी ले जाते हैं। मम्मा लेडीज वाला कितने है हैंकी अंदर है, इनको खोलो ना पूरा। ओके ओके मिल गया मिल गया। पापा बस इधर देखो, दो रखो। हेलो, जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ अपनी मेडिसिन खा के जाती हूँ, नहीं तो कोल्ड और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो घर से निकल के कथुनंगल क्रॉस करके यहाँ पे आ गया था विकास का कॉलेज। हम जब भी अमृतसर जाते थे ना तो ये कॉलेज हमें रास्ते में मिलता ही मिलता है, और यहाँ से विकास ने अपनी स्टडी की हुई है। और इसके साथ ही ना यहाँ पे मतलब ये काफ़ी अच्छा और बड़ा कॉलेज है, और बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, फिर उसके आसपास हम कॉलोनीज देख रहे थे। और बातों ही बातों में हम वेरका पहुँच के, लेकिन हमने पापा को मना कर दिया कि पापा प्लीज़ आप कुछ मत बोलो, आप शांत रहो। और जितनी बार हम उनको बोलते थे शांत रहो तो वो बोलते थे हाँ हाँ तो ये सब डॉक्टर बने हुए। तो यहाँ पे मम्मा मेरे को बता रहे थे कि पापा को यहीं पे प्रॉब्लम हुई थी, मतलब यहीं पे पापा को एक साइलेंट अटैक आया था, लेकिन बाबा जी की मेहर रही और पापा एकदम से अब अच्छे हैं और बेटर हैं और हमारे साथ हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये वही जगह थी जब मम्मा डर गए थे बहुत। तो यहाँ पे जैसे हम फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए ना, मुझे कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल के चक्करों से बहुत डर लगता था। और पापा का जो हमने टाइम देखा है ना यहाँ पे, और उसके साथ ही यहाँ पे लोगों को चीखते चिल्लाते और बहुत कुछ दिखा यहाँ पे, तो डर लगता है। हमने 6-7 दिन यहीं पे रहे हैं। तो फिर पापा का ना उसके बाद बीपी वगैरह चेक हुआ, उसके बाद हम डॉक्टर की वेट कर रहे थे। डॉक्टर थे हमारे HP सिंह, जो कि बहुत ही सच्ची में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे बात करके सच्ची में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल गए थे, हमें कुछ मेडिसिन उन्होंने चेंज कर दी थी, तो हम वो सारी मेडिसिन ले रहे थे। और मेडिसिन लेके हम घर के लिए साथ में ही निकल गए, और वहाँ पे ना पापा को पापा के फ्रेंड भी मिले थे, तो उनसे बात करके हम वापसी करते करते, पापा को थोड़ी सी भूख लगी थी, वहाँ पे हमने पापा को चाय बिल्कुल भी नहीं दी, और आते टाइम पापा के लिए हम पपीता लेके आए थे वो दिया। उस यहाँ पे ना कथुनंगल के पास अमरूद बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, तो पापा ने गाड़ी वहाँ पे खड़ी करवाई, फिर हमने अमरूद लिया, और अमरूद ना सच्ची में इनके मीठे भी थे, तो पापा के लिए बिल्कुल सिंपल, और हमने अपने लिए थोड़े चटपटे बनवा लिए थे। उसके बाद घर आके मुझे बनानी थी 1 कप चाय, ये तो मैंने पापा को 5 बजे के अराउंड दी थी, क्योंकि पापा ना आके सो गए थे। फिर पापा ने बोला कि प्लीज़ दी ये चाय बना दे, तो पापा को 1 कप चाय दी। उसके बाद मम्मा उठ गए, तो फिर मैंने और मम्मा ने 1-1 कप चाय पी, थोड़ा सा बिल्कुल गुड़ डाल के रखवाली। और बाहर हो चुका है शाम का टाइम, और हमारी स्कूटी की चाबी गुम हो गई, तो अभी शाम का टाइम है, अंदर मैंने रखी है चाय बनने के लिए नहीं, और ना हमें ना मुझे एक्चुअली आज स्कूटी की चाबी चाहिए थी, मुझे क्या मेरे भाई को भी चाहिए थी स्कूटी, बाकी सारी बाइक्स ना हमने दूसरे घर में लगाए हुए हैं, तो बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। अभी भी विकास गाड़ी में गया कुछ काम करवाने के लिए, तो मुश्किल हो जाती है, तो मुझे स्कूटी चाहिए थी, नहीं तो मैं आज थ्रेडिंग करवा के आती, ये बहुत ही अजीब से लग रहा है, और मेरी थ्रेडिंग हमेशा गलत होती है। और अंदर पापा ने खाटू श्याम जी के भजन लगा लिया, और चाय मैंने बनने के लिए रख दी, चाय मैं 1 या 2 बार ही पीती हूँ। और मुझे ना जब अमृतसर में मेरे भुई जी मिलने आए थे ना, तो मुझे बोलते जब भी तू चाय बनाती है तेरी वीडियो देखते देखते हम भी चाय बनाने का मन हो जाता है, तेरी चाय देख के। जब भी मैं किसी को बोलती ना मैं सिर्फ चाय बहुत कम पीती हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, तो कहते चल झूठी तेरी, तू तो चाय चाय करती रहती, कभी गुड़ वाली चाय कभी कैसी चाय, तो उन्होंने कहा मैं दूसरों के लिए बनाती हूँ, मैं बहुत ही कम पीती हूँ, 1 या 2 बार पीती हूँ। तो मुझे उन्होंने बोला कि जब भी तू चाय पीती है ना फिर हम भी अपनी चाय रख लेते हैं साथ में, तो चाय तो एक ऐसा चस्का है ना 2 मिनट में मन करता है पीने का। और अभी मैं बाहर अपनी छोटी सी खेत में बैठी हूँ, सॉरी खेत नहीं, खेत अगर मैं अपने घर दूसरे घर में होती तो मैं खेत बोलती, अभी तो नहीं, वहाँ पर तो मैं भाग जाती हूँ खेतों में कुछ ना कुछ तोड़ने के लिए। चलिए आज मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपको क्या बताने वाली थी वो बताती हूँ। आज डॉक्टर ने क्या क्या बोला पापा के लिए, पापा की हेल्थ रिपोर्ट सब चीज़ें उन्होंने चेक की, तो सब चीज़ें ठीक है। मैंने एक बार डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप इनको समझाओ, पापा बोल रहे कि मुझे शुगर फ्री का जो बॉक्स मिलता है या सैशे मिलते हैं ना वो चाय में डाल के दो,
तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं देखो मुझे तो शुगर भी नहीं है, मैं फिर भी शुगर वाली चाय नहीं पीता, ये शुगर बहुत ही कम लेता हूँ, तो आपको तो डायबिटीज़ है तो आप मत लिया करो। तो फिर पापा थोड़ा समझे, फिर पापा को बोला अभी कि आप 1-2 वीक्स रेस्ट करो, उसके बाद आप ऑफिस जाना, आप अभी उस चीज़ की टेंशन मत लो। फिर मैंने बोला पापा डॉक्टर ये स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं तो वो इनको लेनी चाहिए, फिर उन्होंने उस चीज़ से भी मना किया। तो दो तीन चीज़ें जो पापा की उनके सामने पूछी ना और उन्होंने जो बताई, फिर पापा को पता लग गया कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुझे अभी परहेज रखना पड़ेगा, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, फिर मैं ऑफिस भी जा सकता हूँ। और अभी पीयूष भी जा रहा है कहीं बाहर, मतलब उसका शायद फ्रेंड आने वाला है उसको लेके जाने के लिए। और अभी अंदर चल के चाय डालते हैं कप में और चाय पीते हैं। और चाय के लिए ना आज मैंने बहुत ही एक मग निकाला है नया सा, वो भी आपको दिखा रही हूँ। चाय बन के रेडी, अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल गुड़ डालेंगे। वो सामने छोटे से चंदा मामा दिख रहे हैं अभी, और इस तरफ मैं चाय लेके बाहर आ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे ही टहल लेती हूँ और साथ साथ में चाय पीती हूँ। सो गुड इवनिंग गाइस। अभी ना मैं सोच रही थी कि ये बात ऐसा आपको पता होगी, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ। इन ये जब गए थे ना यहाँ से, तो इन्होंने ऐसे मेथड से ना पूरा टाइमिंग लिखा था कि किस टाइम पे कौन सी टैबलेट देनी है। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वैसे तो जो हमें मेडिसिन अब मिली है ना, थोड़ी सी चेंज है, ऑलमोस्ट सेम है, और कोल्ड की थोड़ी बुरी हालत है, बाकी मेडिसिन चल रही है। और मम्मी ना थोड़ी देर में काढ़ा बनाने वाले एक बेसन का। मम्मा बना तो नहीं रहे अभी? ओके मैं आती हूँ। तो चलिए पहले मम्मा की उसकी रेसिपी देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ऑलमोस्ट मेडिसिन सेम सेम ही है, बट थोड़े से सॉल्ट चेंज कर दिए उन्होंने। और ना एक पापा की बीपी के रिलेटेड थे, उसको बैलेंस करने के लिए ना पापा को 2 मेडिसिन देते थे हम, एक थी, अरे कॉफी मुझे अभी मिलेगी नहीं, तो उसमें ना 2 सॉल्ट थे, एक टेल्सर थी और एक एमलोंग। तो जब अब मैंने डॉक्टर को बताया था ना, तो उन्होंने उसको कंबाइन करके एक मेडिसिन दे दी, और उसको हाँ मतलब थोड़ी सी मेडिसिन चेंज है इस बार, ये है, उन दोनों का सॉल्ट मिला के एक मेडिसिन दे दी। वैसे तो बहुत ईजी, उन्होंने लिखा है कि ये सुबह देनी 9 AM 9 PM, लेकिन पापा की ना आई साइट थोड़ी सी वीक हो गई है, तो जैसे इन्होंने पर्चियाँ बनाई है ना स्लिप से, ऐसे मेडिसिन के ऊपर लिखा है, तो इससे बहुत इजी और बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है। तो मैं भी ऐसे ही बनाने वाली हूँ, लेकिन पापा ना अभी फिर से वही अपना स्ट्रेस में आना शुरू हो गए, अपना काम को लेके जो ऑफिस का काम है। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 वीक रेस्ट हो, उसके बाद ही ऑफिस जाने चाहिए, लेकिन पापा शुरू हो गए थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर अपना काम वर्क करना शुरू कर गए, तो हम उनको नहीं टोकेंगे, क्योंकि जितना उनको हम टोकेंगे ना वो उतना फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, क्योंकि जो बंदा शुरू से काम करता रहे ना, आप उसको कितनी देर बांध के रख सकते हो, इसलिए भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी उनको। तो ये मेडिसिंस को जो पहले वाली हैं और न्यू वाली है, इनको जैसे जैसे करना। और अब ना ये जो पहले वाली मेडिसिन है ना, इसको मैं यहीं पर रहने दूंगी, कल से नई शुरुआत होगी जो न्यू मेडिसिंस बनाई है उन्होंने। तो अभी पहले किचन में चलते हैं, मेरे जो काम का जो मम्मा इलाज ढूंढ रहे हैं वो सच्ची में बहुत ही यम्मी होता है, आप भी ट्राई कर सकती हो, क्योंकि इस मौसम में सभी ऑलमोस्ट बच्चों को कोल्ड होता है, बड़ों को होता है, तो अगर आप उसको लेते हो ना तो आपका कोल्ड ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है और आपको राहत मिलती है। तो चलिए चल। तो मम्मी ने ना सबसे पहले कढ़ाई को रखा है, उसके ऊपर बेसन को थोड़ा सा भून रहे हैं। ओके तो इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना, मैंने घर पर बनाया था, बस इतना ही मैंने बताया इसको कितना ब्राउन कर दिया था, बट वो भी अभी बना था। ओके सिम पे टाइम लगना है, मैंने सिम पे नहीं शायद किया था, मैंने फुल पे किया होगा मे बी। और ये ना बहुत ही यम्मी बनता है, आप इसको ऐसे बस थोड़ा सा घुमाते रहिए, थोड़ा सा हिलाते रहिए, और जब ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा नहीं कि गोल्डन ब्राउन ही कर देना, बट थोड़ा सा इसको ना ये क्या बोलते पक जाएगा, कढ़ाई हैवी है ना, टाइम लगेगा, से सिमते हैं, जब फुलते करेंगे तो जल जाएगा जल्दी। ओके हमारी इस रेसिपी का नाम है बेसन का देसी जुगाड़ एक काम के लिए। क्योंकि मम्मा को भी इसका नाम नहीं पता लग रहा था, बेसन का जुगाड़ नहीं बोलते हैं क्या, बेसन का जादू कोल्ड के लिए, या नहीं बेसन का जादू नहीं, माँ के हाथ का जादू बच्चों को ठीक करने के लिए। वाह 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 वाह, मम्मी खुश हो जाओ, चाल कितने थे ना उधर है दिख के अंदर, हम चलो पर का मैं का नहीं
मन करता है फिर इरिटेशन सी होती है एकदम से. नहीं शॉल तो सॉफ्ट है फिर मैं पता नहीं कहाँ पे रख दी. मैं ना उधर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी आराम से, वहां पे लेट के फोन वगैरह चला रही हूँ और शॉल वहां पे रखा हुआ. अभी ले लूंगी सारी मेरे को भी. मैं वैसे इस बेसन की ना थोड़ी थोड़ी खुशबू आ गई है तो मैंने बोला मम्मी मेरा नाक तो बंद है, बट नहीं फिर भी मुझे आ रही है. तो बस इतना ही करना है अब इसको और करेंगे हम. ओके ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो फिर क्या फर्क होता है. ओके ये ना हमें बड़ा मजा आता है सर्दियों में ना, हमें ऑलमोस्ट सबको बुखार होता था, कोल्ड होता था. तो मम्मा ना तो थोड़ा मजा आता था. मम्मा ना हमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप देते थे ना, तब तरसते थे हम कि और मिल जाए और मिल जाए. और जब आप भर के देते थे फिर ऐसा पेट फुल है, क्यों होता है मम्मा ने ज्यादा. हाँ थोड़ा सा अच्छा बनता है तब मजा आता था. पापा को एक कप हम ना कप में डालते और साथ में स्पून मिलता था, तो एक वो पापा का सबके एक एक कप होता था. फर्क बहुत जल्दी है. तो मैंने बोला था ये मम्मी का जुगाड़, नाम इसका ये होगा. तो 5 मिनट मम्मा ने मतलब इसको ऐसे नहीं कि बार बार घुमाते रहे, लेकिन इसको थोड़ा सा रख दिया था ऐसे भी बीच बीच में, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो. तो यहाँ पे मम्मा मुझे बता रही है कि अगर तू डायरेक्ट इसमें एकदम से दूध डाल देगी ना तो इसमें ना गांठे बन जाएंगी. तो मैं जैसे तेरे को बताती हूँ ना तू वैसे करना, नहीं तो ये अलग सा बन जाएगा कुछ. ऐसे भून कर इसको रख लेना ठीक है. जब भी आपका मन करे ना, मतलब 2-4 बार बना सकते हो हफ्ते में, हफ्ते भर के लिए बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. तो दूध गर्म करो उसमें इसको डालो, इसको दूध में डालो जैसे लाइक बॉर्नविटा. ओके चीनी डालो तो फिर एक बॉयल करो. मेनू वो वाला चाहिए जरा, तू पहले उधर ले कर खवांदे भावे छिट्टे पैन. नहीं वो तो मैं कर लेना, मैं तो संभाल लूंगी, मैं तेरे से क्या. ओके ओके नहीं तब भी मेरे ख्याल से मैंने ऐसे बनाया था, प्रीति दी साथ में उन्होंने दूध डाला था और मैं घुमा रही थी उसको, फिर मैंने ऊपर से उसको ढक दिया था कि उसके छींटे ना पड़े. कुछ तो होता है. और कड़ाह भी ऐसा बनता है, उसके भी छींटे बाद बाद में आते हैं. वो तो कहीं संभल जाता है, ओदियां वो नहीं होता, एदी बन जाती है, एदी गिल्टी बन जाती है ना. गुठली आ गया भी और दूध. ये तो फिर भाइयों का भी हो गया ना इसमें. हाँ, पास नहीं देना प्लीज. ओके ठीक है. हाँ सब भी वैसे पड़े, आप भी थोड़ा सा ले लेना. मीठा पहले कम डालो ठीक है. मीठा डालो फिर मैं ओके. हाँ तो इसमें हमने चीनी डाली होगी 2 टेबलस्पून मे बी. हाँ 3-4 चम्मच छोटे वाले. हाँ तो 2 टेबलस्पून ठीक है. आप अपने आप अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करना अगर आप में से किसी को भी कोल्ड है तो. और वैसे भी यम्मी लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें बेसन है, दूध है. अगर आप चीनी नहीं डाल, चीनी अवॉइड करना चाहते तो आप इसमें वो डाल सकते हो. नहीं नहीं किशमिश नहीं मम्मा, उसको क्या बोलते हैं जो शक्कर, शक्कर डाल सकते हो. और ये हेल्दी ऑप्शन है, आप रात को ठंड. हाँ मम्मा हमने तो शुरू से ये पिया तभी तो हम हट्टे कट्टे हैं. हमारी सेहत का राज यही है. चलिए बन गया ना बस खत्म. अभी कितनी देर, 5 मिनट. अभी मैं ना सोच रही थी मैं दोबारा से लिख लिख के मतलब पर्चियां बनाती हूँ और यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा जो टाइमिंग है ना जैसे 9 AM नहीं बनानी पड़ेंगी अलग अलग से, तो बना के उसको चिपका लेते हैं. आज ना हमें एक दूसरी फाइल मिली जो डिस्चार्ज के बाद, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो डिस्चार्ज के बाद जो फाइल मिली वो ये है. उस पर पहला पन्ना हटाते ही पापा की सारी मेडिसिंस, और इस पर लिखा है पापा का HB जो है ना वो 10.3 ग्राम है, TLC 10,200. बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि मेरे समझ के बाहर है. और जो मेडिसिंस है ना जो यहाँ पे टाइम लिखा है ना उसके हिसाब से तो कुछ नहीं समय लग रहा, तो इसको बंद कर लेते हैं. ज़्यादा शो ऑफ नहीं मारेंगे हम कि हमें इसमें से कुछ पता लगा, कुछ भी नहीं पता लगा. तो इसको बंद करके साइड करते हैं, वही हम आते हैं इसी पे. ये कुछ ना मेडिसिन सब चेंज भी हुई है, और अब हमें बुलाया 1 मंथ के बाद. और इससे ना मतलब एक चीज़ बताऊँ, आज है 6th of November और नेक्स्ट मंथ 6th of December. तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मेरी 10th December को एनिवर्सरी, एक्चुअली मेरी 7th of December को मेरी एनिवर्सरी है जो कि नेक्स्ट मंथ में आने वाली है. और भी मुझे एक ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे यहाँ पे शायद मैं आऊँ. बस सब कुछ बाबा जी कृपा रखे, सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे, सबकी लाइफ में खुशियाँ भर दें. और मम्मा ने आज बोल रहे थे, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. वेरका के पास ना एक गुरुद्वारा साहिब है, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, मुझे जैसे आएगा मैं आपको बताऊँगी.
बिल्कुल मेन चौक पे, तो पापा को जब तबीयत खराब हुई थी ना, दूसरा अटैक आया था साइलेंट अटैक, तो वो उस जगह पे आया था और बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो कि गुरुद्वारा साहिब जी के गेट के पास सामने मेन सड़क पे। तो ऐसा लगता है कि बाबा जी ने अपनी कृपा बना के रखी थी जिसकी वजह से मेरे पापा जी ठीक है। तो मतलब उनके उन्होंने ही एक नया जीवन दे दिया। मैं आपको अभी उनका नाम क्या था मैं भूल गई, मैं इतनी बार अमृतसर जा चुकी लेकिन मुझे फिर भूल गया। अभी ना मैंने मतलब जब मैं अमृतसर से आई थी ना, तो नहीं जा रही थी तब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वहाँ से देख के अभी आपको बताती हूँ। तो गुरुद्वारा साहिब जी का नाम है नानकसर साहिब, गुरुद्वारा नानकसर साहिब, उनकी ही कृपा रही है और मेरे पापा एक अभी हमारे पास है और अब पहले से बेटर एंड बेटर हो रही है। तो और ऊपर से आप सबकी ब्लेसिंग्स, उसकी वजह से मेरे पापा जल्दी से ठीक हो रहे हैं। तो अभी मुझे ना ये मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ, बहुत सारी बातें जो आपके साथ करने का मन करता है, लगी रूँ बट ठीक है। तो अभी ना मेडिसिन, जैसे पापा की ना कुछ मेडिसिन सब चेंज हो गई हैं, पहले ऐसा था 9 सुबह 9 बजे रात को 9 बजे, सुबह 7 बजे रात को 7 बजे, सुबह मॉर्निंग मील से पहले ये वाली लेनी है, 3 बजे लेनी है, 1 बजे लेनी है, तो वो सब कट होके 2 मेडिसिन होंगी 9 AM के आसपास सुबह के, और 9 AM, और 2 मेडिसिन होंगी 9 PM के अराउंड। मम बन गया ओके तो ऐसे ही 9 AM 9 PM इन बिटवीन, आई डोंट थिंक सो कि और है कोई, यही है। और एक जैसे ये वाली है, ये मॉर्निंग में लेनी है, नाइट में लेनी है 9 AM 9 PM एंड दैट्स ऑल। तो अभी ये थोड़ा सा पहले से गाढ़ा हो गया, मम्मी थोड़ी देर और तो नहीं करना कि ठीक है, नहीं बस वो मैंने इतनी देर नहीं ना किया, जब मेरा बन गया तो मैंने मुझे लगा बन गया बस, नहीं अब पहले से बेटर लग रहा है, थोड़ा कड़म जो ना ठीक है, मैं देसी घी पाया थोड़ा जहां इधर से भी एकदम खुश जब इनसे बात करते। मैंने इनका फोन आया, कहते पापा से मेरी थोड़ी देर बात करवाना, तो मैंने कहा आप उनके फोन पे कॉल कर लो, तो इन्होंने किया। पापा ऐसे मस्त एकदम से खुश, मेरे को कहते ये मेरा ना थोड़ा सा ऐसे लो फील हो रहा है मेरे को, मैं दूध 1 कप ले लो, मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो, फीका दूध हो तो इतना बुरा नहीं, और पापा का तो वैसे काऊ मिल्क हर है तो उसको पतला करके मम्मी ने दे दिया है। सो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी 9 बजे सुबह देनी है, ये भी 9 बजे सुबह देनी है, ये सुबह भी और रात को भी देनी है, और यहाँ पे ये वाली इको स्प्रिंग ये रात को देनी, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मम्मा को समझा भी दिया एक बार, वैसे मम्मा को नॉलेज होती है बट फिर भी ना ये और जो इको स्प्रिंग है वो सेम सेम है। तो ये डेपानोम है जो कि सुबह पापा को खाने से पहले विद मील देनी है, तो मैंने थोड़ा सा मम्मा को बोल दिया मम्मा प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी बंदा हो ना वो थोड़ा सा भूल जाता है। रहा मेरा गर्मा गर्म काढ़ा हुआ दूध जो कि बहुत ही यम्मी, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लगा लेकिन मज़ा आ रहा है पी के, और एकदम इसका टेस्ट आता है मुंह में, ऐसा बेसन घुल रहा है, थोड़ा बेसन के कड़ा टाइप लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, यम्मी यम्मी है। एकदम मज़ा आ गया इसको पी के, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते, थोड़ा मीठा अपने हिसाब से रख लो, शक्कर डाल लो, सब बन जाए अगर ऐसा बना लिया, और गुड़ भी डाल सकते हो, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा था। और वैसे मुझे लग रहा है इस टाइम तक मेरा वैसे भी कोल्ड थोड़ा ठीक हो गया, बाकी सुबह पता लगेगा। और ये यम्मी भी बहुत होता है, मुझे तो अच्छा लगता है, और मैं ना इसको मतलब कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ, बट अब तो बहुत टाइम हो गया था, यम्मी है।